राजा जनक ने करने की शक्ति का सदुपयोग किया। ऐश आराम भोग भी तो कर सकता था, लेकिन उसी धन से उसी क्रिया से उन्होंने ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र गुरु का सत्संग करवाया। करने की शक्ति का सदुपयोग, मानने की भावना का सदुपयोग, जानने की रुचि का सदुपयोग, उस अकाल पुरुष को जानने की योग्यता। सत्संग शुरू हो इतने में काला सांप, भयंकर मूंछों वाला सांप, जब सांप को देखा लोगों ने तो भगदड़ की तैयारी थी। त्रिकाल ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने तनिक गोता मारा चुप्पी में, अभ्यास हो जाता है, आसान हो जाता है। इस सांप से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मिथिला का सातवीं पीढ़ी पहले का राजा अज है। ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुन के अपने कर्मों को काटेगा और यही देवता के रूप में प्रकट होगा, और इसी के मुंह से आप बीती तुम सुन लेना। कथा का एक दिन पूरा होया, ब्रह्मज्ञान के सत्संग का दूसरा दिन पूरा होया। ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुनना सुनाना, नाम जपना जपाना, ये कोई साधारण बात नहीं। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने ब्रह्म ज्ञान के विचार में मन को डुबा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा दान दे दिया, सारे पितरों की सदगति कर डाली। ब्रह्म ज्ञान सुनना इतना ऊंचा है। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग चलते चलते जब भोग पाने की घड़ियां आई, वो कुंडली मार के बैठा सांप बार बार सीधा हो और फन पछाड़े, थोड़ा सीधा हो और फन पछाड़े। 5-25 झटके फटके हुए तो एक कंकड़ के साथ उसकी फन को चोट लगी, थोड़ा सा खून बहा। देखते देखते उसकी जीव की ज्योति देवता के रूप में प्रकट हो गई। लोग आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगे। उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा सूंघा, अष्टावक्र को प्रणाम किया। जनक, जुग जुग जियो बेटे, तूने 7 पीढ़ियां तार ली। मुनिवर, आपके ब्रह्म ज्ञान के प्रसाद से मेरे 750 वर्ष माफ हो गए, मेरे को देव देही मिली। अष्टावक्र कहते, मैं तो जानता हूं तू राजा अज है, लेकिन मेरे सत्संगियों को, मेरे सिखों को तू आप भी तिस पता। तब वो राजा अज कहता है कि आज से 7वीं पीढ़ी पहले की गद्दी पर 22 जनक हो गए, ये 6ठे जनक की मैं आपको कथा सुना रहा हूं। आज से 7वीं पीढ़ी पहले मिथिला का नरेश राजा अज था, वो अभागा अज राजा मैं हूं। मरने के बाद यमराज ने मुझे सुनाया, 1000 वर्ष तक तुझे अजगर सांप और डेंडू की योनि में भटकना पड़ेगा, कर्म की गति गहन है। मैं छटपटाया और आक्रांत किया, माफी बाफी मांगा, बोले ये कुछ नहीं चलता है थे। हाँ, एक उपाय है, अगर तेरा बेटा बेटे का बेटा बेटे का बेटा उसका बेटा 7 पीढ़ियों का, अगर तेरा कुल का कोई कुलदीप ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग करे करवाए या उसमें साझेदार भागीदार होगा, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएगी, चाहे किसी योनि में हो उनकी सदगति हो जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से हजारों जन्म कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिले तो। यथा धांसी, कृष्ण ने कहा, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी भस्मसात कुरुते तथा। ऐसे तो अवश्य में वो भोगना पड़ता है कर्म का फल, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिले तो कर्मों के फल ऐसे जल जाते कि
कि जैसे लक्कड़ चाहे बबूल के हो, चाहे इमली के साग के हो, चाहे सफेदे के हो, जलकर खाक हो जाते। मुझे आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मज्ञान का सत्संग मेरा बेटा पोता परपोता पोते का पोता परपोते का परपोता कराएगा और हमारी सात पीढ़ियां तर जाएगी। तो हे यमराज, अगर मेरे कुल खानदान में कुलदीप ऐसा कोई सजाग आत्मा होता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करता करवाता है, तो इस अभागे अज को उस सत्संग का माहौल देखने का अवसर मिले जिससे मेरी आंखें पावन हो जाए। और ब्रह्म परमात्मा में गोता मार कर बोलने वाले संत की वाणी सत्संग होती है, कथाकार की वाणी कथा होती है, नेता की वाणी भाषण होती है, संत की वाणी सत्संग होती है। वो सत्संग की वाणी सुनकर मैं अपने कान और अपने जीवन को धनभागी बनाऊं। यमराजा ने कहा, साधो साधो, तुम्हारी सीधी साधी मांग है, बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बात है, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। मुझे गिरा दिया गया और मैं अजगर बना। अजगर तो आप समझ जाएंगे, मोटा मोटा होता है अजगर, सांप से मोटा मोटा होता है, बकरे को निगल लेता है और अपने पेट में उसको तोड़ फोड़ के पचा लेता है। भीम को एक बार अजगर ने पकड़ लिया था और अजगर इतना सयाना कि मेरे आंखें देखते देखते कौवा कितना चालाक, कौवे को पकड़ लिया अजगर अपने पेट में, मरोट में ले लिया। कौवा कैं कैं करता रहा, आखिर उसको मरोट के उसके गले को दबाकर छुपा के चला गया। फिर आकर शिकार खाया, हमको देख के चला गया हरिद्वार में सप्त सरोवर। तो महाराज, आपको हम सच बताते हैं कि मैं अजगर की योनि में चला गया और रात्रि को पेट भरने को निकलता, कहीं मरा हुआ जीव जंतु तो कहीं शिकार करता, कभी नहीं मिलता तो पेड़ पर चढ़ जाता, पक्षियों के बच्चे घोंसले से चबा लेता। एक पूनम की रात को मैं उस घोंसले के बच्चों को चबाने में भी सफल न हुआ और भूखे पेट लौट रहा था। कहां तो राजा अज मिथिला नरेश और कहां पेट पालने में विफल होकर भूखे पेट लौट रहा था अपने बिल के तरफ। उजाली पूनम की रात पूरी हुई थी, दूसरा दिन हो रहा था प्रभात का। जंगल में शहद के छत्ते खोजने वाले, लकड़ी तोड़ने काटने वाले घसियारे जल्दी आ गए थे, पकड़ो पकड़ो, मारो 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 मारो, आधे से ज्यादा घुस गया, फिर भी उनके डंडे और पत्थरों ने मेरी पूंछ को लुहान कर दिया। अपनी पूंछ को घसीट कर मैं बिल में आराम पाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ऐसा सोचा। लेकिन भाइयों, जिसने मनुष्य जन्म पाकर करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति का सदुपयोग करके सत में चुप्पी का आराम नहीं पाया, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गया। तो अजगर होकर क्या खाक आराम पाएगा, घोड़ा गधा होकर क्या खाक आराम पाएगा। मेरे खून की गंध से जंगल की बड़ी बड़ी केड़ियां आग धमकी और मेरे को चिपक गए। मैं छटपटाता, दिन पूरा हुआ, रात भी पूरी हुई, दूसरा दिन और तीसरे दिन की प्रभात भी शुरू हो गई। तीसरे दिन की रात और चौथे दिन की प्रभात से चौथे दिन की रात मेरे लिए कहर की रात हो गई। और आश्चर्य तो यह होगा कि कीड़ियां रात को भी काम करती रहती है, कौन सी कीड़ी दिन पाली वाली और रात पाली वाली, ये खोजना मुश्किल है। रात को भी कीड़ियां एक्टिव होती है, कभी देख लेना घर में, देखे। पांचवें दिन की रात तो और भी खतरनाक थी, पेट में एक बूंद पानी नहीं, एक कौर खोराक नहीं। कहां तो राजा अज, जितना मानिया खुशियां उतना भया रोग, जितना ऐश किया उतना ही दुख भोग रहा हूं। अगर ऐश के
करने की शक्ति ऐश में न लगती, मानने की शक्ति ऐश में न लगती, जानने की शक्ति ऐसी वस्तु में न लगती जिससे किया जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। उस रब का ज्ञान देने वाले संतों के चरणों में जाकर थोड़ा अंतरात्मा में जाता तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। अब मेरी दुर्गति से मेरा राज्य मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, मेरे मंत्री मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरे साथी मेरी रक्षा नहीं। मानो जिन किन जन्मों में लोगों का शोषण करके ऐश किया, वे ही लोग इस कीड़ी के अवतार में आकर बदला ले रहे हैं क्या? छठे दिन की रात तो कहर की रात, मूर्छित हो जाता मैं बार बार, और जब कहीं जी में जी आता तो क्या होता, पीड़ा के कारण जरा छटपट आता फिर मूर्छित हो जाता। सातवें दिन की प्रभात को मेरा दम निकला, फिर मैं सर्पिणी का बच्चा बन गया और अपने माँ के गोल से मैं बाहर नहीं निकल पाया, मेरी माँ निगुड़ी मेरे को चबा गई। कैसी दुखद योनिया है, मनुष्य जन्म पाकर जिसने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, सत्सुमरण नहीं किया, व्यर्थ हो गया करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति। एक बार मैं पानी का सांप बना और भूख मिटाने को मेंढक पकड़ा और मेंढक कहराया तो कोई धर्मात्मा आया था दरिया पर स्नान करने को, उसने बराबर निशाना मारा मेरे सिर पर, मैं मूर्छित होकर मर गया। ऐसे तो बहुत दुख भोगे, लेकिन खुशी की बात है कि आज मेरे सातवीं पीढ़ी के राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग का प्याऊ खोला, मेरी सारी थकान मिट गई, 750 वर्ष अब नीच योनि से बच गया, अब मैं देवता हो गया। इतने में पुण्यशील और सुशील ने, पार्षदों ने अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी गुरु को प्रणाम किया। बोले महाराज, ऐसे तो हम सूक्ष्म रूप से अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के आगे हम अवहेलना नहीं कर सकते। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा नानक, इसलिए हमको साकार होकर आपकी इजाजत लेने जरूरी लगी। आज्ञा बख्शो, आपके भक्त को हम स्वर्ग में ले जाए। अष्टावक्र ने संकेतिक आशीर्वाद दिया, विमान में बिठाकर अष्टावक्र के हाजरी में राजा अज को ले जा रहे। जनक हाथ जोड़े खड़ा है, जब अदृश्य हुए आपके घर कोई आए तो उसको विदाई देना 4 कदम चलकर, अगर आता है तो उसको उचित जगह पर बिठाना, सत्कार करना, मीठे वचन बोलना, अपनी बड़ाई उसको मत सुनाना, उसकी 2 बातें सुनना और उसकी प्रशंसा करना, ये आपके गृहस्थी जीवन का गहना है। अपना फर्नीचर और अपनी बड़ाई दिखाओ मेहमान को, ये उससे मेहमान प्रसन्न नहीं होगा, अपनी नम्रता और उसकी पीड़ा सुनो, अपने से हो सके तो उसको सम्मान दो और उसकी पीड़ा हटाने में भागीदार बनो। आओ नहीं आदर नहीं, नई नयनन में नेह तुलसी वा, घर न जाइए भले कंचन बरसे वे। बड़े बड़े फर्नीचरों से और बड़े बड़े व्यंजनों से मेहमानों को इंप्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो, नम्रता प्रेम से पानी का प्याला रूखा सूखा जो भी है उससे मेहमान का दिल जितना संतुष्ट होगा, उतना अहंकार से सज कर इंप्रेस करोगे तो नहीं होगा। राजा जनक ने अष्टावक्र गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव आप ब्रह्मज्ञानी भी हैं और योग विद्या के भी माहिर हैं, मैं अपने पूर्वजों का दीदार करने के लिए योग विद्या सीखना चाहता हूं गुरुदेव। अष्टावक्र गुरु ने उनको सूक्ष्म शरीर से परलोक गमन की विद्या सिखा दी। मैं भी आपको बता सकता हूं, वो जमाने में 2 महीने लगते थे, तो अभी 4-6 महीने लगेंगे, थोड़ा चंचल जमाना है टीवी का और डालडा का, तो लेकिन होता है, अंग्रेज लोग भी कर लेते तो अपने हिंदुस्तानी के तो घर की चीज है, लेकिन उस विद्या से भी ऊंची विद्या ब्रह्म ज्ञान की।
इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान पर जोर देता हूं। जैसा अमृत ऐसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्तता ही ते जान। किसी परिस्थिति को सच्चा मत समझो, किसी सफलता को सच्चा मत समझो, विफलता को सच्चा मत समझो। सफलता भी सपना, विफलता भी सपना, जैसा सपना रहन का तैसा ये संसार। संसार की विफलता तो विफलता है, लेकिन सफलता भी विफलता ही है। और भगवान के रास्ते की सफलता तो परम सफलता है, लेकिन विफलता भी सफलता के द्वार तक खड़ा कर देती। जय राम जी बोलना पड़ेगा। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। राजा जनक साधना करके यमपुरी पहुंचे। यमराज ने कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, लेकिन मरकर नहीं आए हो, विद्या के बल से आए हो, विधिवत नहीं मरे हो, अनऑफिशियली आए हो। फिर भी तुमने ब्रह्म ज्ञान का प्याऊ लगाया, लोगों को शांति दी। बाहर अल्लाह है, भगवान है नहीं, अपना आत्मा ही भगवत स्वरूप है, ऐसा ऊंचा ज्ञान दिया है। भटकाने वाले ज्ञान से हटाकर परमात्मा से मिलाने वाला ब्रह्म ज्ञान तुमने लोगों को दिया है। इधर सुख है, उधर सुख है, उधर सुख है, वो बड़ा भगवान, वो बड़ा देवता, वो बड़ा मंदिर नहीं। सारे मंदिर और सारे देवता का अस्तित्व तेरे इस देव से ही दिखता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का तुमने प्याऊ खोला। इसलिए मैं तुमको सहयोग करना चाहता हूं। स्वर्ग तो ये रहा, लेकिन तुम सीधे इधर नहीं जा सकते हो। यूं यूं घूम के बड़ा चक्कर मारते हुए नरक में से होते हुए यूं घूमते घूमते फिर स्वर्ग में आओगे। मैं दो अपने दूत देता हूं, दो दूतों के साथ जनक जब नरक की रेंज में पहुंचे तो हाय कष्ट, हाय पीड़ा, आक्रांत आक्रांत, तुबा जारी, हाय हाय। जनक दंग रह के कि क्या है। बोले महाराज, पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा, पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते, पाप का फल नहीं चाहते और पाप करते बड़े यत्न से। ऐसे लोगों को यहाँ घुटाई पिटाई धुलाई सिकाई जलाई आदि होता है। ये पापियों के लिए 80 नरक रौ रौ नरक, कुंभी पाक नरक आदि है। जनक तनिक चुप हो गए। नरक के पापी लोगों को बड़ी शांति मिली। जनक जुग जुग जियो, जनक तुम्हारी जय हो। जनक ने कहा, ये अभी तो आक्रांत कर रहे थे। बोले महाराज, तुमने करने की जानने की मानने की शक्ति का सदुपयोग किया, जब चाहे तुम सत्य में गोता मार लेते हो चुप्पी में। तुम्हारे श्वासोश्वास और आंखों की व्यवस तन्मात्राएं और रोम कुप की तन्मात्राएं पापियों के पाप शमन कर देती और उनको शांति देती। जनक के जमाने में तो था, लेकिन अभी भी हम नारकी जीवन तो जी रहे हैं। किसी को पत्नी की तकलीफ पति की, किसी को पेट की तो किसी को सिर की, किसी को साथियों की तो किसी को पड़ोसियों की, महंगाई की तकलीफ, बदली की तकलीफ और मृत्यु की तकलीफ, न जाने क्या क्या तकलीफों के बीच कलयुग का आदमी नारकीय जीवन जी रहा है। लेकिन 3 दिन ब्रह्म ज्ञान रूपी जनक के सत्संग में किसी के जीवन में कोई फरियाद नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और दिल में कोई फरियाद और पीड़ा नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का जनक का प्रत्यक्ष दर्शन अभी भी यहाँ भी हो रहा है। किसी की शादी में जाए इतने लोग और वो सेठ के तरफ से चाय आइसक्रीम ये वो कुछ आमद खोरी हो, फिर भी इतने सारे लोग सब संतुष्ट नहीं हो सकते। कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला और
तो तड़ाका होना अवश्यम भावी है, लेकिन यहां कभी तू तड़ाका नहीं होता, सब प्रेम से बैठे, क्या ख्याल है? ये सत्संग रूपी जन का दर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। परम पुरुष परमात्मा से स्नेह कर लो, शरीर मरने वाला है भैया,